लैशेस के लिए आजकल कितनी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि आप आई लैश एक्सटेंशंस लगा सकते हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे हैं, पर वो 2 से 3 महीने में फिर वापस आपके वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। छोटे से आई लैशेस को छोटे ही रखेंगे, टेम्प्रेरी सोल्यूशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको ये रेमेडी ट्राई करना चाहिए। इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, धीरे धीरे वर्क करेगा लेकिन बिल्कुल वर्क करेगा, और आपके भी लैशेस जो है बिल्कुल घने हो जाएंगे और साथ साथ ग्रोथ भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। ले हूँ एक ग्लास जार, आप ग्लास जार ही लीजिएगा क्योंकि हम इसे आराम से 5 से 6 महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ग्लास जार रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि प्लास्टिक से सीरम जो है ख़राब होने का डर होता है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये डिओड्रेंट बॉटल, आप ये हाजमोला का आता है सो वो भी यूज़ कर सकते हो या फिर कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो। मीडियम साइज़ का आपको जार चाहिए ताकि आप आराम से इसे स्टोर करके रख सको। मैं जो क्वांटिटी का बना रही हूँ वो 1 जनों के लिए है, बिल्कुल 6 मंथ्स तक आपका आराम से चल जाएगा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें इस आई लैश सीरम को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, ताकि जो भी मैं फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहले लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल प्योर होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, पैराशूट वाला मत यूज़ करिएगा, वो बिल्कुल बालों के लिए है और ये हम स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल लेंगे और कैस्टर ऑयल, वो भी कोल्ड प्रेस्ड ही होना चाहिए, और साथ साथ हम रेडीमेड वाला एलोवेरा जेल लेंगे। रेडीमेड वाला लेंगे ताकि हमारा ये जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी लंबे समय तक हमें ये चल जाए, इसीलिए हम रेडीमेड वाला यूज़ करेंगे। में हमें चाहिए वैसलीन, हमें चाहिए विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स और आलमंड्स, 2 आलमंड्स हमें चाहिए। ले रही हूँ 1 ये स्पून, इसी स्पून से मैं मेजर करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। हमें सबसे पहले करना है आलमंड्स को लेना है और इसको अच्छी तरीके से जला लेना है, हमें बिल्कुल कालिक जो होती है ना बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में इसे हमें जला लेना है, कम्प्लीटली बर्न करना है, अंदर तक ये जल जाने चाहिए। हम इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे और इसे गरम गरम में अगर करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से या आराम से हो जाएगा, ठंडा भी आप कर सकते हो, आराम से ये क्रश हो जाता है बहुत ही आराम से, ये बिल्कुल जो काजल होता है हमारा बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में ये आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी तरीके से ले लेना है अपने स्पून की हेल्प से, आप आराम से निकाल के डायरेक्ट हम इस ग्लास जार में ही डालेंगे क्योंकि हम इसमें ही बनाने वाले हैं। अच्छी तरीके से निकाल कर इस बॉटल में डाल लिया है, अब हम हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले हम डालेंगे यहाँ पर कोकोनट ऑयल, 1 टीस्पून के करीब मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ इधर। अब हम डालेंगे कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल मैं इधर 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, उसे अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया है उसमें। 400 mg की मेरे पास ये विटामिन ई की जो एवियन की आती है वही मेरे पास यहाँ पर कैप्सूल मैंने यूज़ किए हैं। एलोवेरा जेल भी यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून लूँगी। वैसलीन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप थोड़ा सा मेल्ट करके डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया था इसे ताकि ये आराम से मिक्स हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लाइटली मेल्ट किया है, ज़्यादा भी मैंने इसको मेल्ट नहीं किया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से एक वुडन स्टिक की हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हर एज के लोग ये यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी, ये हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रात के टाइम पे आप जो भी अपनी स्किन केयर करते हैं उसके साथ ये भी ऐड कर लीजिए, आपको
अमेजिंग रिजल्ट्स इससे मिल जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इजी, बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है आईलैश सीरम। तो इसे आपको रात में सोने से पहले लगाना है। अपने आईलैशेस को जड़ से इसे कवर करना है, जस्ट ऊपर ऊपर के हिस्से में हमें इसे नहीं अप्लाई करना है, हमें इसे जड़ से अप्लाई करना है ताकि अंदर तक हमारा ये जो सीरम है अंदर तक जाकर वर्क करे। तो इसीलिए हमें बिल्कुल जड़ से अच्छे से इसे लगाना है प्रेस करते हुए, ताकि हमारे जड़ तक इसका जो ऑयल वगैरह हमने जो डाला है इसमें ये सीरम टच हो, बिल्कुल रूट्स तक आपको टच करना है और इजी टू एप्लीकेशन हो। इसीलिए मैंने ये एक मस्कारा का मेरे पास कंटेनर था जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है, उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा से अमाउंट में फिल कर दिया है ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो जस्ट खोला और लगा लिया, जैसे मस्कारा हम लगाते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में। काफ़ी आसानी से आप ये आईलैश सीरम घर पे बनाकर आराम से स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपको ज़रूर इसे ट्राई करना है और उसके बाद में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं शेयर करूँगी आपके फीडबैक का। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए अल्लाह हाफिज।